क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? कैसा होगा मेरा फ्यूचर, क्या ये सोच के आप हैरान हैं? तो आज लाया हूँ यूजफुल तथ्य, जिंदगी के कुछ कटु तथ्य। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी जब तक तुम नहीं संभलोगे। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी यार जब तक खुद नहीं संभलोगे। अरे कुछ नहीं बदलेगा मेरे यार जब तक खुद कुछ नहीं बदलोगे। कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक तुम खुद अच्छा नहीं करोगे। मेरे बस की नहीं है इस गलत फहमी में रह के कब तक डरोगे यार। सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस्मत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है, खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है। हम सबको जिंदगी में एक ना एक बार जरूर मौका मिलता है। सर्द हवा भी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर चलती है, और जिंदगी में परेशानियां हम सभी को मिलती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन सिचुएशंस में क्या एक्शन लेते हो। अगर आप जिंदगी में आई परेशानियों को झेल गए तो समझ लेना यार सही खेल गए। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि देश बदल जाएगा, अगर आप इंतजार कर रहे हो आपकी जिंदगी की सिचुएशंस बदल जाएगी, अगर आप इंतजार कर रहे हो आपके मार्क्स बदल जाएंगे, अगर आप इंतजार कर रहे हो आपकी सैलरी बदल जाएगी, और अगर आप इंतजार कर रहे हो आपके खराब रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, तो भाई खत्म हो जाओगे यार। तो भाई खत्म हो जाओगे अगर आप अभी नहीं संभलोगे। अबे कुछ नहीं बदलेगा यार जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे। अगर तुम्हें बेटर लाइफ चाहिए तो पहले खुद बेटर बनो ना यार। अगर आप खुद को बदल लोगे तो इस दुनिया में हर चीज खुद ब खुद आपके लिए वो चीज बदल जाएगी। अपना बिहेवियर अच्छा बनाओ, लोगों का बिहेवियर अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने काम में बेस्ट दो, आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। आप जो कर रहे हो उस काम की क्वालिटी को बेहतर बनाओ, आपके इनकम के डिजिट अपने आप बढ़ने लगेंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा चाहिए तो पहले आप अच्छे बनो। अगर आप अच्छे बन जाओगे आपकी जिंदगी खुद ब खुद अच्छी बन जाएगी। अपनी जिंदगी को, अपने गोल्स को इस संसार के मोह माया से अब सबसे ऊपर रखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। कहीं भी खड़े हो तो अपना प्रभाव लेके आओ। रोज अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव लेके आओ। इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कोशिश करो, जीत मिलेगी, अब दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। अब सुनो, जरा रुको और सोचो तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, किन चीजों को आज और अभी इसी वक्त रोक देना चाहिए, किन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे, कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जिनको करने से जिंदगी बेहतर बनेगी। अपनी जिंदगी के खुद ही शैतान बने बैठे हो, अपनी जिंदगी के खुद ही शैतान बने बैठे हो। अरे यार आप सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बने बैठे हो। पॉजिटिविटी की छलनी से खुद को छलना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की छलनी से आज खुद को छलना पड़ेगा। दुनिया से बाद में बनेंगे, पहले खुद से ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। हर चीज को अपनी जिंदगी से डिलीट मार दो जो तुम्हारे सपनों के बीच में आ रहे हैं, हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारे हौसलों की बैटरी को लो कर रही है, उखाड़ के फेंक दो जो तुम्हें स्लो कर रही है। क्या वो टीवी है, बंद कर दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, इग्नोर मारो सालों को, उनसे ना हो पाएगा। कुछ ऐसी बुरी आदतें मान लो आज ही छोड़ दी, कोई बैड रिलेशनशिप, बैड मेमोरी, भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट करता था। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा संसार में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मजबूत बनो, विशालकाय बनो, अटूट बनो, विकराल बनो। नेगेटिविटीज पे प्रहार करो और जो भी करो विथ रफ्तार करो। लोग सही कहते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ होता है। ये दुनिया एक स्वयंवर है यार, एक ऐसा स्वयंवर, यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं सफलता के साथ शादी करने के लिए। लेकिन सफलता चाहती है पहले आप खुद को उसके बराबर लेके आओ यार, क्योंकि सफलता को पता है कि रिश्ते हमेशा बराबरी वालों के साथ होता है। अगर आप खुद को सफलता के बराबर लेके आओगे तभी वो आपके गले में वरमाला डालेगी। रेज योर लेवल मैन, अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आप ये सब जानने के बाद भी अपने लेवल को उसके बराबर नहीं ले जा पा रहे हो तो याद रखना, गलती आपकी है, सफलता की नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप अपना लेवल उसके बराबर नहीं लेके आ पाए। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 99% लोग आज भी आसान रास्ता चूज करेंगे, फिर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने से डरेंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है इसी वक्त सब कुछ बदलने का, क्योंकि अगर आप उन 99% लोगों की तरह होते तो भी आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते।
आज ही डिसाइड करो कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी जिंदगी को इसी वक्त बदलना है। उसी सेकंड जब ये वीडियो खत्म होगी, मुझे अपने सपनों के लिए काम कर देना शुरू करना है, उस चीज को खत्म कर देना है, और एक दिन सफलता भी तुम्हारे गले में वरमाला पहनाएगी। जिंदगी हसीन हो जाएगी, बेरंगी चीजें रंगीन हो जाएगी। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमें जिंदगी में वो मिलता है हम जिसके लायक होते हैं। तो यार उस चीज के लायक बनो, अपने जिंदगी के खुद ही खलनायक बनो, और फिर देखना जिंदगी बड़ी हसीन होगी यार। क्योंकि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, धक्के खाने से अक्ल आती है। तो धक्के खाते रहो और जिंदगी में कदम आगे आगे बढ़ाते रहो। और हाँ, अपना भला नहीं करना यार, पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलानी है, जैसे मैं फैला रहा हूँ। किसी एक इंसान के बारे में सोचो जिसे आप अपने साथ में ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो। ये वीडियो उसे अभी शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या जैसे भी हो, क्योंकि मेरा काम है बताना और तुम्हारा काम है फैलाना। चले आगे आगे हम, पीछे पीछे है जवाना। सबको जताना और कुछ करके दिखाना, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। दिस वॉज शशिकांत साइनिंग ऑफ। हे गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ यू आर रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव मी अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। And thank you so much your love and support. And I one more announcement. In 2019 coming more powerful motivational video. So please subscribe and share with your friends. Thank you so much guys watching for my this video. Be motivated, be inspired. This was Shashikant.